1857 की जब क्रांति हुई थी तो लगभग 2000 तक अंग्रेज मारे गए थे, पति पत्नी बच्चे तक मारे गए। 86 दिनों तक हमारे क्रांतिकारी लड़ते रहे कब्रगाह के माध्यम से। यहीं पर लगभग 2000 अंग्रेजों के कब्रगाह बने हुए हैं, आप इसे देख पा रहे होंगे। आवाजें निकल रही हैं, चीख रही हैं, क्योंकि हम लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सबसे पहली लड़ाई स्वतंत्रता की अगर सही मायनों में देखी जाए तो वही हुई थी 1857। आपको ऐसी जगह लिवा चल रहे हैं जहाँ पर मौत का मंजर देखा गया था 1857 की क्रांति के समय। एक ऐसी जगह लिवा चल रहे हैं आपको, सही मायनों में देखा जाना है, साक्षात गवाह है 1857 की क्रांति का। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, अंत समय तक बने रहिएगा मेरे साथ, शायद आपको ये सीरीज बेहद पसंद आएगा। थोड़ा घबराएंगे ज़रूर, लेकिन पूरी कहानी मेरे साथ बने रहिएगा अंत समय तक। पूरी कहानी को आपको मैं बताऊंगा। मैं कैसी जगह पे आया हूँ आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा स्थान है। तो लखनऊ का ब्रिटिश रेजिडेंसी हाउस के पास आ चुका हूँ मैं, इसको कवर करने के लिए आया हूँ। आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये नवाबों द्वारा बनाई गई थी, लखनऊ के नवाबों द्वारा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती थी, हैदराबाद में कोई और, बंगाल में कोई और, लेकिन लखनऊ में नवाब पाए जाते थे। 1780 में ना आसिफ उद्दौला के माध्यम से ब्रिटिश रेजिडेंसी बनाया गया था, अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, इतना ज़्यादा मानते थे। शुरू उन्होंने करवाया, लेकिन ख़त्म शहादत अली खान के माध्यम से इसे बनवाया गया पूर्ण तरीके से, कि भैया आइए अंग्रेज यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अंग्रेज कहाँ किसके हुए, एक कहानी है ना, एक लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो अंग्रेज उसी तरीके से थे, लोगों को गुलाम बनाने लगे, और उस गुलामी की जब पराकाष्ठा नज़दीक आती गई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। भाई नवाब थे लखनऊ के, एक समय ऐसा आता गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो बेगम हजरत महल के माध्यम से आक्रमण किया गया। और सही बताऊँ ना, 1857 की क्रांति आप जानते होंगे स्वतंत्रता की पहली क्रांति थी। तो मैं उसी स्थान पर आया हूँ जहाँ हमारे क्रांतिकारी बेगम हजरत महल के माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिए, और जब आक्रमण किए थे, यह आक्रमण लगभग 86 दिनों तक चला था। और जानते हैं अंग्रेज इसी जगह पर, देख पा रहे होंगे, गोला बारूद बनाया करते थे। और भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, सही बताओ ना, खून बहे थे, लगभग 2000 अंग्रेज मारे गए थे। और अंग्रेजों के माध्यम से जिसको नवाब दिए थे, लीजिए भैया मैं आपको ठहरने के लिए बढ़िया सब व्यवस्था करता हूँ, बड़ा उस ज़माने में बेहतरीन, आपको बेहतरीन नहीं दिखाई देता होगा, इतना बेहतरीन बनाए थे लखनऊ के नवाब अंग्रेजों के लिए। आप देख पा रहे होंगे जब लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की क्रांति, साक्षात गवाह है, गोले बारूद के निशान तक पड़े हुए हैं, देख पा रहे होंगे। आपको सोचिए, जब मैं गुलामी नहीं बर्दाश्त कर पाया, आप अगर करीब से आकर देखेंगे, आप थोड़ा सा करीब आकर देखेंगे तो आपको समझ में आता होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे गोले बारूद के निशान पड़े हैं, 1857 की क्रांति के साक्षात गवाह हैं। इसकी एक एक खुद सुनाई पड़ रही आवाज़, ईंट बोल रहे हैं, सही बताऊं तो सही मायनों में। ये वही दीवारें हैं, जानते हैं, क्रांतिकारियों के माध्यम से जो गोलियां खाई हैं। और सही बात बताऊं तो ये दीवारें हमारे द्वारा बनाई गई थी कि अंग्रेज आइए रहिए हमारे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ देख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय, आपको याद दिला दूं, ये पहले दावत खाना हुआ करता था। अंग्रेज के नवाब शहादत अली खान ने इसे दावत खाना बनाया था। दावत खाना मतलब समझते हैं भाई साहब, जो नवाबी लखनऊ के नवाब जिया करते थे उससे बेहतर नवाबी अंग्रेजों के लिए बनवाए थे। ये आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, साक्षात गवाह है। तो अंग्रेजों के लिए ये नवाब बनाए थे दावत खाना। लेकिन जब ये लड़ाई 1857 की क्रांति शुरू हुई तो मालूम है इसे अस्पताल के रूप में अंग्रेजों ने बदल दिया, यानी कि यह दावत खाना, क्योंकि एक से एक तरीके से यहाँ पर दावत खाना के लिए इंतज़ाम किए गए थे। लखनऊ के नवाब ने अंग्रेजों के लिए एक से बढ़कर एक तरीके से, सही बात बताऊं, अंग्रेजों के लिए इसे बनाया था कि आइए भैया यहाँ खाना खाया जाएगा। तो अंग्रेज यहाँ इस बैंक्वेट हॉल में खाना खाते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय अंग्रेज अपने आप को किसी तरीके से डिफेंड करने के लिए
अंग्रेज इसे अस्पताल में बदल दिए, तब इसे अस्पताल के रूप में यूज करने लगे, क्योंकि यह लड़ाई लगभग 86 दिनों तक लड़ी गई। बेगम हजरत महल के माध्यम से यह लड़ाई 86 दिनों तक लड़ी गई थी। हमारे क्रांतिकारी मालूम है भाई साहब, आपको ये दीवारी बता रही होंगी कि किस तरीके से इसे बनाया गया था नवाबों द्वारा। आज भी उतना सुंदर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूती आज भी दिखाई पड़ रही है। इन दीवारों की मजबूती आज भी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि तैसे बनी हुई है। ये दीवारें आज भी साक्षात गवाह हैं कि लखनऊ के नवाब बहुत बेहतरीन कारीगर द्वारा इसे बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों से पचाया नहीं गया। इस बैंक्वेट हॉल को अस्पताल के रूप में उपयोग करने लगे और किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद लगाने लगे। लेकिन हमारे क्रांतिकारी लगभग 86 दिनों तक यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहे और लगभग 2000 तक, जो सुनने और पढ़ने और जानने में आया, लगभग 2000 तक अंग्रेज मारे गए इसी स्थान पर। तो ये देख सकते हैं बैंक्वेट हॉल हुआ करता था उस ज़माने में अंग्रेजों के लिए, नवाब द्वारा बनाया गया था। सही मायने में बताऊँ, जो कहा जाता है, जो सुना जाता है, अंग्रेज़ों के लिए जो बनाया गया था ना, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग था एक बैंक्वेट हॉल। और जब सुनने में आता था कि लोग अंग्रेज़ यहाँ पार्टी किया करते थे, लेकिन जब भाई साहब हमारे क्रांतिकारी इनको बना के ना धुआं धुआं कर दिए, तब इसको अस्पताल के रूप में उपयोग करने लगे। तो आपको समझ में आता होगा ना कि किस तरीके से देख रहे हैं, इसकी दीवारें बनाई गई हैं और जो मोटी मोटी दीवारें हैं, लग रहा है भैया किस तरीके से बनाया गया था उस समय कुशल कारीगर द्वारा। वाह, मज़ा ही आ गया देख के कि हमारे नवाब नवाब वास्तव में हुआ करते थे। यह अंग्रेज़ों के लिए देख पा रहे हैं स्विमिंग पूल बनाया गया था, किस तरीके से नवाबी दी गई थी, लेकिन इनसे पचा नहीं गया। हमें मिला होता ये शान शौको तो पूछिए नहीं, हम नवाब के ग़ुलाम होते। लेकिन अंग्रेज़ वही था ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। नवाबों को ठगने चले थे, बर्दाश्त हुआ नहीं, और फिर जो हुई गोलीबारी भाई साहब। ये उस ज़माने का भैया मैंने बताया ना, सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक हुआ करता था। तो स्विमिंग पूल था, यही अंग्रेज नहाया करते थे। ये 1857 की मुख्य बिल्डिंग हुआ करती थी किसी ज़माने में। किसी ज़माने में क्या मतलब, उस ज़माने में। और देख पा रहे होंगे यहाँ आपको गोले बारूद और तोप रखे नज़र आ रहे हैं। यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। इसे रेनोवेट कर दिया गया है। अब आपको काफ़ी कुछ सुंदर दिख रहा होगा, लेकिन सही मायनों में यहाँ अंग्रेज़ों के लिए यह मुख्य बिल्डिंग हुआ करती थी। आज इसे म्यूजियम के माध्यम से रेनोवेट कर दिया गया है। अब आपको ये स्मृति संग्रहालय रेजिडेंसी लखनऊ दिखाई पड़ रहा होगा। तो यह उस ज़माने की प्रमुख बिल्डिंग हुआ करती थी। आप तोप और नाल के माध्यम समझ में आता होगा कि ये साक्षात इसके गवाह हैं। कोई आदमी तो ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके माध्यम से मैं उसे देख पाऊँ और बता पाऊँ, लेकिन ये तोप और दीवार आपको बता रही हैं कि भैया उस समय की क्रांति कैसे हुआ करती थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो लगभग 2000 तक अंग्रेज मारे गए थे, पति पत्नी बच्चे तक मारे गए। 86 दिनों तक हमारे क्रांतिकारी लड़ते रहे इनको बंधक बना के रखे। उसके कुछ साक्षात गवाह मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कब्रगाह के माध्यम से। यहीं पर लगभग 2000 अंग्रेजों के कब्रगाह बने हुए हैं, आप इसे देख पा रहे होंगे। आवाज़ें निकल रही हैं, चीख रही हैं, क्योंकि हम लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सबसे पहली लड़ाई स्वतंत्रता की अगर सही मायनों में देखी जाए तो वही हुई थी 1857 की क्रांति। बाद में हमें 1947 में मिला लड़ते लड़ते। लड़ाइयाँ तो हमारे क्रांतिकारी बहुत लड़ाई लड़े, लेकिन 1857 की क्रांति पहली लौ थी स्वतंत्रता की। लेकिन पूछिए नहीं, इस लौ को देखने के बाद अंदर से चीख की आवाज़ें निकल रही हैं। यह 3 मंजिला इमारत देख पा रहे होंगे, इसी 3 मंजिला इमारत में अंग्रेज रहा करते थे। आज आपको थोड़ी सी घबराहट भले महसूस हो रही होगी, लेकिन उस ज़माने में वैसी अभी आपको नहीं दिख पा रही होगी, बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। पिक्चर के माध्यम से आपको दिख पा रहा होगा अभी की बिल्डिंग और बाद की बिल्डिंग। तो ये बड़ा खूबसूरत हुआ करता था 3 मंजिला बिल्डिंग, इसी में अंग्रेज बड़े शान शौकत से रहा करते थे, नवाबों द्वारा बनाई गई। लेकिन आज यह बिल्डिंग रो रो के आवाज़ बता रही है कि हाँ
हम अब कैसे हो चले हैं, हमारे साथ क्या हुआ है। ये दूती मंजिला चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी जिसके माध्यम से मैं चढ़ पा रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ। ये दूती मंजिला हुआ करती थी उस जमाने में, और दूती मंजिला पर बड़े शान शौकत के माध्यम से यहाँ पर रहते थे पूरे परिवार के साथ अंग्रेज। थोड़ी सी घबराहट तो मुझे लग रही है, मैं इतना ऊपर चढ़ा हूँ और गार्ड भी चिल्ला रहा है भैया उतर जाइए नहीं तो गोलियों द्वारा भून देंगे आपको। ये देख पा रहे होंगे बेगम कोठी हुआ करता था उस जमाने में। ये सही मायनों में बताओ जाए तो आसिदुद्दौला के माध्यम से बनाया गया था। कितनी शान शौकत के माध्यम से बनाया गया था, इसकी बिल्डिंग और इसकी दीवारें आपको बता रही होंगी, मुझे सुनाई पड़ रहा है कि भाई साहब ना आज भी भैया ना ये बता रही हैं, आवाज़ आ रही है कि किस तरीके से इसे भैया निर्माण कराया गया था। इसकी दीवारें ना आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी हैं, बस इसके लोग धोखा दे दिए। देख पा रहे होंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारत, और भाई साहब जो मोटी मोटी आज के ज़माने में ऐसी इमारत तो नहीं देखने को मिलती है। तो ये उस ज़माने में बेगम कोठी हुआ करता था। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था दूती बिल्डिंग में लॉरेंस जी मारे गए थे, सर लॉरेंस हुआ करते थे, बहुत बड़े कर्नल हुआ करते थे। 2 जुलाई 1857 की क्रांति के दिन मारे गए थे। तो जब वो मारे गए थे वास्तव में उसी दिन मर गए थे, वहाँ से जब मारे गए थे यहाँ लाए गए थे डॉक्टर फेरर के मकान में। डॉक्टर फेरर लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि डॉक्टर फेरर बहुत बड़े सर्जन थे अपने ज़माने के 1857 के, लेकिन क्रांतिकारी भाई साहब जो गोलियों से भूने थे ना, हिम्मत नहीं हुई डॉक्टर फेरर को कि बचा पाए। तो चलिए आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ। पहले यह मकान ये सामान्य रूप से बनाया गया था, अंदर एक तहखाना भी है। तहखाना मतलब लाइक सीक्रेट रूम था, और इसी सीक्रेट रूम में अंग्रेज के बीवी बच्चे तक रहते थे, अंग्रेजों के बीवी बच्चे तक रहते थे। देख पा रहे होंगे तहखाना, कुछ उसके उदाहरण आपको दिख पा रहा होगा, काफी कुछ चीजें सील हैं, आपको दिखाने की चेष्टा कर पा रहा हूं और शायद आप कुछ देख भी पा रहे होंगे। इसी तहखाने में अंग्रेज छिपे रहते थे, उनके बीवी बच्चे तक छिपे रहते थे। बाद में डॉक्टर फेरर को दे दिया गया था, तो डॉक्टर फेरर इसी में सर्जन का कार्य करते थे और इसी में अंग्रेज के बीवी बच्चे भी छिपे रहते थे। देख पा रहे हैं उस ज़माने में तहखाना हुआ करता था, लाइक सीक्रेट रूम हुआ करता था। इसी के माध्यम से अंदर जाया करते थे, ये दरवाज़ा लगा हुआ है। इसी तहखाने में अंग्रेज के बीवी बच्चे छिपे रहते थे, इसी तहखाने में बीवी बच्चे छिपे रहते थे। 86 दिनों तक यहाँ छिपे थे, लेकिन हमारे क्रांतिकारी 86 दिनों तक लाशें बिछाते रहे, गुलामी सह नहीं पाए। वही सही बताऊँ ना, फिर से कह रहा हूँ 1857 की क्रांति का वही पहला लव था। 1857 क्रांति के समय यह ट्रेजरी हाउस हुआ करता था। सही बात बताऊँ वित्तीय कार्य सारे यहीं से हुआ करते थे, अंग्रेजों के सारे वित्तीय प्रबंधन यहीं से हुआ करते थे, ट्रेजरी हाउस से। तो ये देख पा रहे होंगे आज आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि अच्छा सा नहीं, लेकिन उस समय के कुछ पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि पहले कैसे हुआ करती थी और अब कैसे हुआ करती हैं ट्रेजरी हाउस। तो 1857 क्रांति के समय, अंग्रेजों के समय यह ट्रेजरी हाउस हुआ करता था। अगर जिस किसी को यहाँ पे आना है तो इसे ब्रिटिश रेजिडेंसी कहते हैं, कैसरबाग में अवस्थित है, कचहरी के नाम से फेमस है। अगर आप ब्रिटिश रेजिडेंसी के माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं तो कैसरबाग कचहरी बोलेंगे, लोग यहाँ आके पहुँचा देंगे। टिकट काउंटर है, भारतीयों के लिए 25 रुपये, विदेशियों के लिए 300 रुपये, अच्छा है, बेहतर है। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज़ लोगों को बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।